रोहिंग्या को पनाह देने वालों पर बड़ा एक्शन। अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या होंगे गिरफ्तार। कुछ यहाँ के लोगों ने अपने प्लॉट जो हैं, जो बाहर से लोग आए हैं, उनको बसाने के लिए दिए हुए। जी हाँ, अब अगर किसी ने रोहिंग्याओं को पनाह दी तो अब उसकी खैर नहीं, क्योंकि अब रोहिंग्याओं को पनाह देने वालों पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। खबर जम्मू कश्मीर से है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। रोहिंग्या जिनके लिए सड़क से संसद तक कई बार आवाजें उठ चुकी हैं और उनके अवैध रूप से भारत में रहने को लेकर कई बार मुद्दा उठाया जा चुका है, और जम्मू कश्मीर में तो रोहिंग्याओं को लेकर प्रदर्शन तक हो चुके हैं, जिसके बाद अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं पर धीरे धीरे कार्रवाई की शुरुआत होती है, और अब उन सभी लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई जो दूसरे देशों के नागरिकों और रोहिंग्याओं को शरण देने और सरकारी लाभ दिलाने में मदद कर रहे हैं। इन मामलों में जम्मू कश्मीर के कई पुलिस थानों में FIR दर्ज की गई है, जिसके बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और जम्मू के साथ कई और इलाकों में छानबीन की है। जम्मू पुलिस ने रोहिंग्याओं को तलब कर उनके पहचान पत्रों, संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग की ओर से जारी रिफ्यूजी कार्ड की जांच की, जिसमें 250 से ज्यादा रोहिंग्या की जांच शामिल थी, और साथ ही रोहिंग्याओं को पनाह देने वालों पर भी पुलिस की पूरी नजर थी, जिसके बाद पुलिस ने पता लगाया कि आखिर कौन रोहिंग्याओं की मदद कर रहा है, जिसके लिए पुलिस ने कई टीमों को गठित किया और उसके बाद बड़ा एक्शन लेने की बात कही। अलग अलग जगह के ऊपर जम्मू सिटी में कुछ यहाँ के लोगों ने अपने प्लॉट जो हैं, जो बाहर से लोग आए हैं, उनको बसाने के लिए दिए हुए, तो हम उसमें यही चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो इनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको इंडियन गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनको प्रोवाइड करने में मदद करते हैं, ये सब चीज़ें चेक की जा रही हैं। तो सर क्या है, मल्टीपल लोकेशंस पर रेड चल रही है? ऑफ कोर्स। तो सर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल भी बीच में आया था? हमारे इसमें 7 पुलिस स्टेशन इन्वॉल्व हैं और उसमें लगभग 29 से 30 लोकेशन हमारी होंगी जहाँ पर सर्चेज चल रहे हैं। तो सुना आपने कि कैसे पुलिस अब रोहिंग्याओं और उन्हें पनाह देने वालों पर एक्शन लेने की बात कर रही है। पुलिस ने बताया कि जम्मू में रोहिंग्याओं की धरपकड़ आगे भी जारी रहेगी। केंद्र सरकार ने पहले ही साफ किया था कि अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं पर एक्शन लिया जाएगा, जिसके बाद से पुलिस अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं और उन्हें पनाह देने वालों पर कार्रवाई कर रही है, जो 2013 से लगातार जारी है, क्योंकि 2013 में जम्मू कश्मीर में एक ऐसा मामला सामने आया था जिसने कई सवाल खड़े कर दिए थे, जिसके बारे में हम भी आपको बता देते हैं। म्यांमार का रहने वाला एक रोहिंग्या मुस्लिम, जिसके बारे में पुलिस को पता चला था, रोहिंग्या मुस्लिम साल 2013 से जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में रह रहा था। उसने साल 2013 में स्थानीय महिला से शादी भी कर ली। रोहिंग्या मुस्लिम ने अपने ससुर के साथ मिलकर फर्जी पहचान पत्र भी बनवा डाला, साथ ही फर्जी आधार कार्ड और राशन कार्ड बनवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ भी लेने लगा। इस मामले में IPC की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई। जांच के दौरान आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद से पुलिस लगातार ऐसे लोगों की तलाश करने लगी, और 2013 से अब तक कई रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है, और अब तो उन पर एक्शन हो भी रहा है जो रोहिंग्याओं को पनाह दे रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कई रोहिंग्या अवैध तरीके से रह रहे हैं, जिसके बारे में जम्मू कश्मीर के गृह विभाग की तरफ से खुद जानकारी दी गई थी। जम्मू कश्मीर के गृह विभाग की फरवरी 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 6,523 रोहिंग्या नागरिकों के जम्मू संभाग के 5 जिलों में होने का दावा किया गया था। इसमें सबसे ज्यादा जम्मू जिला में इनके 39 कैंप बताए गए थे। हालांकि जानकारों की माने तो रोहिंग्या नागरिकों की संख्या जम्मू संभाग में सबसे ज्यादा है। तो जब ये रिपोर्ट सामने आई तो अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं की तलाश की जाने लगी, जिसके बाद पुलिस को जानकारी मिली कि जम्मू में रोहिंग्या बस्तियों और झुग्गियों में रोहिंग्या रह रहे हैं और वो रोहिंग्या अपराध की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। पुलिस के अनुसार रोहिंग्या बच्चों को पढ़ाई नहीं करवाते, उन्हें जल्दी काम पर लगवा देते हैं, कुछ को छोटा मोटा काम मिल जाता है, लेकिन कुछ चोरी नशा बेचने का काम भी करते हैं और उसमें संलिप्त हो जाते हैं, जो धीरे धीरे काफी खतरनाक होता जा रहा है, और इसलिए ये बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें जम्मू, राजौरी, पूंछ, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिलों में 31 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया, और साथ ही अवैध रूप से इन्हें पनाह देने वालों के ठिकाने भी खंगाले गए हैं, और अब पुलिस
आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रखेगी, जिसकी बात पुलिस की तरफ से खुद कही गई है। यानी ये कहा जा सकता है कि अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और उन्हें पनाह देने वालों की अब खैर। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।